हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रॉली के रिले के बारे में। इसमें दिक्कत ये है कि जब भी ब्रेक या हैंड ब्रेक लेते हैं, यहाँ नीचे से हवा लीक करते हैं। इसको अभी भी लीक कर रहा है। इसको खोल के देखेंगे, इसका किट चला गया अलग। खोल के सर्विस करके नया किट डालेंगे इसमें। रिले वेबको कंपनी का है, चाइना का भी लगता है, लेकिन ये वेबको का माल है। चाइना रहता तो सीधा नया चेंज हो जाता, लेकिन इसमें किट डलेगा। देखते हैं इसके अंदर का बॉडी बचा हुआ है या खत्म है, क्या है नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि रिले मशीन से हवा लीक कर रहा था, तो इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। यहीं नीचे से हवा लीक करता है इसका। यहाँ पे दो पाइप आता है हमारा, एक ऊपर वाला जो मेन पाइप है वो ब्रेक बूस्टर से कनेक्शन पाइप से रहता है, और नीचे वाला जो हमारा वो टंकी का है, टंकी से रहता है। जो पीछे टंकी में लगा हुआ हवा टंकी, वो डायरेक्ट हवा इसमें रहता है। ऊपर वाला हवा हमारा आता है ब्रेक बूस्टर। जब ब्रेक लेते हैं तो हवा वहाँ से, चार पाइप होता है ब्रेक बूस्टर में, तो उसमें दो इन होते हैं, दो आउट होते हैं। इन मतलब दो पाइप हवा बना के बूस्टर के अंदर जाता है, और दो बाहर आता है। बाहर आता है तो जब ब्रेक लेते हैं तो होता है क्या कि ऊपर से रिले मारा दबा जाता है, टंकी जो हवा रहता है वो सीधा चल जाता है हमारा ब्रेक बूस्टर में, और हवा और ब्रेक इस तरह से काम करता है हमारा। आइए इसको खोल के चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर में। इसको खोल के देखते हैं गैस क्या दिक्कत है इसके अंदर में। इसको खोल के देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा भाई, A to Z डिटेल मिलेगा आपको इसमें। हमारा होता है क्या कि कभी कभी रिले से ही हैंड ब्रेक का प्रॉब्लम हमारा आ जाता है, तो किस वजह से आता है, जैसे बहुत सारे मिस्त्री है उसको खोल के डायरेक्ट नया किट चेंज कर दिए। लेकिन होता है क्या कि कोई कोई गाड़ी में पीछे का चक्का, ट्रॉली का चक्का ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेता है, उसमें थोड़ा बहुत हवा चल जाता है जिससे थोड़ा गाड़ी जाम चलने लगता है। तो जाम कैसे चलता है गाड़ी और किस वजह से हवा चल जाता है, उस चीज़ को भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो थोड़ा लंबा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो, अच्छे लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए इस पर, और किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको वो भी कमेंट करें प्लीज़। वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। खोलते हैं इसको पहले अच्छी तरह से, बारीकी से देखते हैं इसका प्रॉब्लम। डली क्या होता है कि बहुत सारे मिस्त्री देखते हैं कि हमारा लीक कर गया, बोल खोलो इसको और किट डालो इसमें। सही है, लेकिन इसके अंदर और भी बीमारियां होती है। उस चीज़ को बारीकी से सारे लोग नहीं पकड़ पाते हैं। हवा का बीमारी है, बहुत ख़त्म चीज़ है ये, या तो बहुत अच्छा है। देख लेते हैं थोड़ा खोल के, इसमें कचड़ा उचड़ा आ गया होगा अंदर में, जिसके वजह से हमारा हवा लीक कर जा रहा है। ये वेबको का है भाई, इसमें जैसे चार छेदा का आता है, एक आठ का भी आता है। उसमें हमारा 3/70 किट लगता है, और इसका किट का नाम, दुकानदार थोड़ा चोर है, सामान देता है तो किट छुपा कवर रख लेता है। देखिए खोलें आप, देखिए कितना गंदगी है इसके अंदर में। अरे देखिए देखिए कितनी गंदगियाँ है यहाँ पे। ओरिंग है हमारा बहुत गंदा हो गया, जिसके वजह से ब्रेक रिले भी बराबर ब्रेक इनका काम नहीं करता होगा। ब्रेक का भी इशू था गाड़ी में पीछे में, तो यही वजह से होता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता, कचड़ा हो जाने की वजह से। नीचे का भाग खोल लेते हैं, इसका मेन सिस्टम यहीं पर डला हुआ है भाई। हवा लीक करना नहीं करना सारा यहीं, चीज़ को भी अभी बारीकी से दिखाऊंगा आपको किस वजह से हवा लीक कर रहा था हमारा। ये देखिए वाल हमारा चारों कोना साइड से कट गया, ये दब गया है वाल हमारा, जिसके वजह से हवा लीक कर रहा था। इसको खोल के देखते हैं, इसका लॉक पहले हटा लेते हैं। खुल जा सिम। ज्यादा बड़ा खुल गया हमारा, प्रेस करने पे खुल जाता है ये। खुल गया इसमें,
ये देखिए हमारा बाल रिजेक्ट है सारा। किट किट नया डलेगा भाई। इस प्लेट के अंदर में एक ओरिंग रहता है, बाहर में भी ओरिंग रहता है। बाहर वाला ओरिंग क्या है कि बाहर कवरिंग करता है। खोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये होल जो है इसमें कचरा जम जाता है, कचरा जम जाता है। पूरा कहानी इसी पे फिट है जो बता रहे थे ना आपको हम कि ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिक, हवा धीरे धीरे चक्का जाम कर देता है, गाड़ी जाम चलता है पीछे ट्रॉली का चक्का खासकर। देख रहे हैं गाइस इसमें होता है कचरा जम जाता है, तो वाल को ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रेस कर देता है जिसके कारण हवा हमारा चक्का में चल जाता है और चक्का जाम होता है। जब भी सर्विस करें तो इसको अच्छी तरह क्लीन। हमारा सारा सिस्टम क्लीन हो गया, किट भी आ गया एंड किट का डब्बा मोटर पास्ट वाले ने रख लिया है। दिखा नहीं दे रहा हम लोग को क्या कितना नंबर का किट है नहीं है। बाबू साहब ने रख लिया, थोड़ा सा करता होगा झोल झाल इसमें प्रिंट के वजह से या पार्ट नंबर के वजह से नहीं देता होगा दुकान मोटर पास मिस्त्री को ताकि खुद ना मंगा ले। ये हमारा ग्रीस है, ये बहुत अच्छा ग्रीस रहता है। जो भी किट में आता है वही ग्रीस यूज करें, बहुत महंगा ग्रीस है। ग्रीस का खासियत ये है कि जल्दी पिघलेगा भी नहीं और रबड़ ओरिंग वगैरह को फूलने नहीं देता है, जैसे रहता है वैसे सेम प्रोसेस में रहने देता है। देखिए दो ओरिंग हमने फिट कर दिया इसमें। ये हमारा वाल है, वाल के अंदर ये बैठा दिए स्टैंड, ये स्प्रिंग लगा के अब ये रबड़ इसमें डाल देंगे। ये डाल के इसके ऊपर में लॉक रहता है, उसके बाद ये लॉक को लगा देंगे हम लोग। ये हमारा नीचे का वाल का सिस्टम कंप्लीट हो गया। जब भी किट वाला काम करें उसमें ग्रीस या मोबिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। लुब्रिकेंट चाहिए थोड़ा सा खिलने के लिए उनको। लॉक हमारा बैठ गया, बिठा देते हैं इसको अच्छी तरह से। इसमें बैठ जा भाई, डिस्टर्ब मत कर। लॉक अच्छी तरह से इसको बैठा दिया। अब इसको हम लोग मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, डालेंगे बिठाएंगे इसको। ये देखिए एक ओरिंग रहता है, ये प्लेट्स देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। सो इसका वाल पूरा दब गया और वाल नया है। सॉरी गाइस ओरिंग डालना भूल गया था, ओरिंग लगा लेते हैं। ये ओरिंग निकाल देते हैं, अगर नए डालते तो हवा हमारा डायरेक्ट लीक कर जाता है, उधर हवा बनाते इधर निकलता। इसलिए ओरिंग का बारीकी से ध्यान रखें, इस चीज़ में सारा खेल ओरिंग का है। इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से गाइस। ऐसे मशीनरी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए या फिर हमारा यूरिया सेक्शन पे चाहिए, साइलेंसर पे चाहिए, जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सारे तरह के वीडियो देंगे आपको, जिस हिसाब से चाहिए आपको मिलेगा गाइस इसमें। लेकिन वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक ही देखना है भाई, नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और सब नॉलेज वाला है इसमें। अरे निचला हिस्सा फिट हो गया गाइस, जहाँ से हवा लीक कर रहा था ऊपर का सिस्टम को फिट करना है। इसमें ओरिंग हमने इंस्टॉल कर दिया और अच्छी तरह से ग्रीस इसमें लगा लेते हैं। ग्रीस भी लग गया। एक चीज़ ध्यान देना, जो ये होल दिख रहा है हमको बूस्टर के बीचे बीच में, सॉरी पिस्टन के बीच, पिस्टन ही बोलते हैं इसको, उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस डाल दें ताकि वो भी अच्छी तरह से काम करे। हमारा फंक्शन यहाँ पर जिस यहाँ पर हम ग्रीस डाल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिए, जैसे बताया था पिछले थोड़ा देर पहले हमने कि इसके वजह से होता है क्या कि थोड़ा सा कचरा चल जाता है तो वो लुल्ली हमारा दबा देता है वाल को। यहाँ पर ये इसमें सेट होगा, दबा देता है तो हवा लीक, थोड़ा सा हवा जाने लगता है तो चक्का हमारा जाम कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
बहुत ही माइनर चीज़ है ये। ओरिंग कहाँ है भाई, ओरिंग दो, बिना ओरिंग का फिट कर दें। चलो बिना ओरिंग का देखते हैं, फिट करके नया ओरिंग डाल लेते हैं। सस्पेंस में पड़ जाएंगे गाड़ी। मजाक कर रहे हैं, वीडियो को देख लीजिए अब। हमारा ये बूस्टर रेडी होने चला, सारा सिस्टम फिट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है भाई, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इसको हम बैठाते हैं यहाँ पे तो वाल हमारा जो अंदर का वाल है वो वाल ज़रा सा भी नहीं दबना चाहिए। अगर दब गया तो हमारा हवा डायरेक्ट हवा उधर से बनाएंगे, इधर सीधा चक्का में पहुँचेगा धीरे धीरे, और जिसके वजह से चक्का हमारा जाम होगा। देखिए ये प्रोसेस है। अभी देखिए इसको चेक कर लेते हैं बाहर में। देखिए फूकने से हवा नहीं जा रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे ऊपर वाले वाल को। भाई साहब वीडियो से इसने लिए, ये होता है क्या कि ऊपर वाला दबाएंगे और उधर मेन पाइप से हवा देंगे तो हमारा ये चारों साइड से हवा रिलीज करने लगता है। और ऐसे फूकेंगे तो हवा लीक नहीं करना चाहिए। अगर हवा लीक कर गया मतलब हमारा किट का सिस्टम सही से फिटिंग नहीं हुआ है। ये देखिए बिना ओरिंग का डाल दे रहा है भाई सर। ओरिंग बैठा लीजिए सर, ऐसे ट्रायल मार रहा है, ट्राई हो रहा है, मजाक कर रहे हैं। देखिए भाई साहब ने टोक दिया बीच में, ओरिंग नहीं डाल। चलिए ओरिंग डाल लेते हैं। यही सिस्टम है गाइस इस मशीन के अंदर में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह हमारा बूस्टर कंप्लीट हो गया। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें भाई। थैंक यू।